since last time we have this limited quantity, यहाँ तक तो हमने कर लिया था limited quantity का chapter 3 में, and then we have this list of generic and NOS proper shipping name. List of generic and proper shipping name या NOS not otherwise specified, इसका मतलब ये है PSN, ये तो proper shipping name, मतलब ये UN number हो गया. Generic name भी होते हैं और NOS not otherwise specified, same thing. तो इसमें क्या है असल में, तो ये चीज़ें हैं, दैट इज प्रॉपर शिपिंग नेम क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है क्लास वन डिवीजन 1.1 के, फिर उसके UN नंबर, इसके सब्सिडरी रिस्क, इसके क्लास ऑफ डिवीजन, ये लिखे हुए हैं. तो ऐसे ही सबके लिखे हुए हैं यहाँ पे कि किस तरीके से प्रॉपर शिपिंग नेम क्या है इनके, और ये सब्सिडरी रिस्क यहाँ पे है, सब्सिडरी रिस्क लो स्लोली विद दिस वन. इसमें ओके प्रॉपर शिपिंग नेम, ग्रोसरी टू द मैमिनेशंस क्या है, ये NOS का क्या है असल में, कि हाउ वॉट टू डू विथ NOS, ये अभी पार्ट टू में आ जाएगा हमारे पास, इनके साथ क्या करना है. तो ये IMDG पार्ट टू में जो है अपना वॉल्यूम टू में, तो ये वॉल्यूम टू में आएगा जब DG लिस्ट बताऊँगा, तो उसमें आ जाएगा. देन आई विल शो यू कि नॉट अदर देन स्पेसिफाइड हो तो क्या करेंगे, क्योंकि जो स्पेसिफाइड है वो हैं तब तो ठीक है, मगर जो नॉट अदर देन स्पेसिफाइड है उनका क्या करेंगे, कि जो स्पेसिफाइड है उनके प्रॉपर शिपिंग नेम है, और जिनके शिपिंग नेम ही नहीं है तो उनके साथ क्या करेंगे. और इसमें फिर उसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो ये चैप्टर है पैकिंग वाला, कि पैकिंग वाले में क्या प्रोविजंस हैं, क्या हैं. तो दिस वन इज अ लिटिल बिट, तो इसमें भी पैकिंग इंस्ट्रक्शन, जैसे जस्ट टू शो कि कोई एक ही हो, पैकिंग प्रोविजन 4.1, 4.1.3 स्पेशल प्रोविजन इनर पैकिंग रेसिपिकल ट्रे ब्लाह ब्लाह, दिस वन दिस इज नॉट पैकिंग इंस्ट्रक्शन, पैकिंग इंस्ट्रक्शन यहाँ पे पैकिंग इंस्ट्रक्शन दे के रखे हुए हैं, जैसे UN नंबर है, एयर कंप्रेसर है, क्लास 2.2 है, सब्सिडरी रिस्क क्या है, LC मतलब पॉइजनस क्या है, सिलेंडर्स में डालना है, ट्यूब्स में डालना है, प्रेशर ड्रम्स क्या करना है, टेस्टिंग पीरियड क्या होना चाहिए, ये दिया हुआ है. और यहाँ पे ऊपर जो है उनके जो असली में प्रोसीजर्स हैं वो यहाँ पे करके दिए हुए हैं कि किस तरीके से करने हैं. सॉलिड ड्राई पाउडर 1.1 डेल्टा, तो ये है अगर ग्रुप, तो उसमें क्या क्या करेंगे, बैग्स में रिसेप्टिकल है, बैग रिसेप्टिकल, इनर पैकिंग, इंटरमीडिएट पैकिंग, आउटर पैकिंग, ये तीनों देके रखे हैं किस तरीके से पैक करना है किसी एक ग्रुप के या किसी एक के भी. सॉलिड है, पैकिंग है, इट इज समथिंग लाइक दिस ओनली. जो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है 4.1, जनरल प्रोविजन फॉर द पैकिंग ऑफ द डेंजरस गुड इंक्लूडिंग IBC एंड लार्ज पैकिंग, तो ये लिखा हुआ है. It is all relating to these 4.1.1.2.3.4, इसी को वहाँ पे रेफरेंस लेकर के और यहीं से निकाल कर वहाँ पे बनाया गया हुआ. They are putting from here only. एक यहाँ पे लिखा है प्रोविजन 1.1.1 एंड 1.1.3 आर मेट, तो ये प्रोविजन्स यहाँ पे भी सेम प्रोविजन्स.
तो पैकिंग का जो है वो बेसिकली यहाँ से करना है, इस वाले से, और ये तो पैकिंग का हो जाएगा। और यहाँ पे यूएन नंबर दिया, तो यूएन नंबर के अकॉर्डिंगली वी हैव मोर जो स्पेसिफिक है वो हो जाएगा हमारे पास, कि मोर स्पेसिफिकली हम कर सकते हैं, हमें पता लग जाएगा। और ये वाले तो हमारे पैकिंग के हो जाएंगे। फिर इफ वी हैव समथिंग, जनरली जो है वो क्लासेस के लिखे रहेंगे यूएन नंबर के सामने, किस टाइप की पैकिंग करनी है, कहाँ से करनी है, तो लिखा रहेगा वी हैव टू जस्ट गो। तो इसमें बस ये बताया होना चाहिए कि पैकिंग ग्रुप कहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, उसके सिवा कुछ और नहीं इसमें ज़्यादा है। वन टाइम विद दिस यूएन नंबर, यूएन नंबर में इस तरीके से लिखा है। ये वाले जैसे टैंक्स के लिखे हुए हैं, यूएन नंबर 1017 क्लोरीन है, उसका मैक्सिमम अलाउ वर्किंग प्रेशर क्या है, ये रहा। ओपनिंग बिलो लिक्विड लेवल नॉट अलाउड, प्रेशर रिलीफ वॉल्व होना चाहिए, मैक्सिमम फिटिंग डिज़ाइन डेंसिटी, मैक्सिमम फिलिंग डेंसिटी जो है वो ये 1.25। तो अगर इसमें रिलीफ वॉल का जो पोजिशनिंग हो तो 6.7.3.7.3 देखो, तो ये दिस इज़ हाउ इट शुड बी पैक्ड अप। इस तरीके से इसमें दिए हुए हैं कि टैंक्स के दिए हुए हैं, जैसे पोर्टेबल टैंक का, ये भी शेल का दिया हुआ है। ओके, यहाँ स्पेशल पैकिंग प्रोविजन फॉर गुड्स ऑफ क्लास वन, ये हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पैकिंग ग्रुप की क्या, जो पैकिंग ऑफ द क्लास गुड वन शैल बी डिज़ाइन एंड द कंस्ट्रक्शन दैट एक्सप्लोसिव प्रोटेक्शन हो, तो ये हमें पता चाहिए। स्पेशल प्रोविजंस भी दिए हुए हैं क्लास पार्ट फोर में जो अपना है, तो पार्ट फोर में ये भी दिए, फिर क्लास वन गुड शैल बी पैक्ड इन अकॉर्डेंस विद द कॉलम 8 एंड 9 ऑफ द डीजी गुड लिस्ट एज डिटेन्ड इन 4.1.4, 4.1.4 जो है वो 5 ईयर ऊपर है, ये सबके ना अपने अपने लिखे हुए हैं। तो इज नथिंग मोर कि क्या है क्लास शीट्स, ये यूएन नंबर दे दिया 3119। इसके जो जो कार्गो है जो कि ऑर्गेनिक परोक्साइड टाइप है, लिक्विड टेम्परेचर कंट्रोल्ड है और कंटिन्यू, तो उसमें अगर टाइप ऑफ आईबीसी होगा तो ये है, तो मैक्सिमम क्वांटिटी विच वी कैन लोड, कंट्रोल टेम्परेचर क्या है, इमरजेंसी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कि +20 पे गया तो अब इमरजेंसी आ गई। तो इट इज़ ऑल ऑल लाइक दिस, इसी तरीके से जनरली हो गए हैं। फिर क्लास वन है, फिर क्लास वन का ये रहा पूरा, क्लास टू का भी ऐसे ही होगा, स्पेशल पैकिंग फॉर क्लास टू, फिर इसमें 5.2 और ये सब भी थे, तो इन सब के भी पैकिंग क्या होंगे, ये रहा 5.2, 4.1, ऑल दिस इन सब के हो जाएंगे हमारे पास। और यूज ऑफ पोर्टेबल तो इसका ये सब भी तो कोई ज़्यादा नहीं है, ये भी कुछ ये सब पैकिंग के ही हैं। अरे चैप्टर 5 जो है दिस इज रिलेटेड टू जनरल प्रोविजन, एप्लीकेशन एंड जनरल प्रोविजन का है ये इशूइंग अथॉरिटी, तो ये ट्रांसपोर्टेशन से एक्चुअली रिलेटेड है, मार्किंग एंड लेबलिंग, ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से करना है, तो ये है जनरली। तो इसमें ये लिखा हुआ है वन में 1.4 है, 1.5 है, क्या है, 2 है 3 है 4 है 5 है 6 7 8 9, 9 का जैसे मरीन पोल्यूटेंट होगा, करोजिव में ऐसे 9 में ये सब लिखा हुआ है, रेडियो एक्टिव होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा रेडियो एक्टिव होगा तो ये है, सिर्फ मार्किंग है कि पार्किंग में किस तरीके की मार्किंग करेंगे हम लोग। और इसमें चैप्टर 7 में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, चैप्टर 6 ये रहा,
construction and testing of the packings, intermediate bulk containers, large packing portable, ये भी कुछ ज़्यादा इसमें से भी नहीं आता है ना पूछा जाता है. चैप्टर 7 में से ज़्यादा पूछा जाता है, दे आस्क जनरली मोर फ्रॉम चैप्टर 7. जनरल प्रोविजन, तो चैप्टर 7.1 जो है वो जनरल स्टोवेज प्रोविजन है. तो स्टोवेज प्रोविजन में क्या क्या दिया हुआ जस्ट टू सी. यहाँ पे जो कैटेगरी 1 है उसको स्टो कर सकते हैं हम स्टोवेज कैटेगरी, कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5. तो जो स्टोवे कैटेगरी है क्लास 1 की, उसे कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5 में डिवाइड कर दिया. वो जो था वहाँ पे कंपैटिबिलिटी था, एक पहले जो बताया हुआ था दैट इज़ कंपैटिबिलिटी. और ये जो है ये है स्टोवेज. तो स्टोवेज में 5 कैटेगरी क्लास 1 की, और स्टोवेज कैटेगरी ऑफ क्लास 2 to 9 ये जो है दिस इज A to E, इसमें भी A, B, C, D, E, तो इसमें भी 5 हैं, उसमें भी 5 हैं. पहले जो है इसमें स्टोरेज कैटेगरी जो है क्लास 1 की उसमें 15 थे, अब उसे रिड्यूस करके 5 कर दिया गया है. तो दिस वन, और यहाँ पे प्रोविजंस लिखे हैं कि ऑन डेक, अंडर डेक, ये सब लिखा हुआ है. दिस इज़ नथिंग मोर इम्पोर्टेंट, नोबडी आस्क दिस थिंग्स कि अप टू 12 पैसेंजर, शिप पैसेंजर. बस ये पता होना चाहिए क्लास 1 का 1 to 5 है. इसमें ये लिखा है कि क्लास 1 अदर देन डिवीजन 1.4 कंपैटिबिलिटी ग्रुप एस. तो ये जो चीज़ लिखी हुई है इट डज नॉट मीन कि क्लास 1 में 1.4 जो है वो नहीं लोड करेंगे. ये डिवीजन लिखा हुआ है, दिस इज समथिंग डिफरेंट, कि हमें दूसरी जगह जाके देखना है कि जो 1.4 डिवीजन में आए वो नहीं होंगे. तो वो कुछ नहीं है, हमें सिर्फ क्लास 1 का पूछा जाता है. स्टोरेज ऑफ क्लास 1 कैसे करोगे, कैटेगरी 1, 2, कैटेगरी 5, फिनिश. इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है. और उसका स्टोरेज ऑफ स्टोरेज कैटेगरी फॉर क्लास 2 to 9 में सिंपल है, A to E, बस ये बोलना. ये ऑन डेक, प्रोहिबिटेड, अंडर डेक, ये वो अगर याद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज बस A to E बोलना है. और क्लास 1 का जो कंपैटिबिलिटी ग्रुप है वो A to L NNS ये है. और इसमें ये इम्पोर्टेंट है फिर, या 7.2 चैप्टर जनरल सेग्रीगेशन प्रोविजन क्या है. तो जनरल सेग्रीगेशन प्रोविजन में अवे फ्रॉम सेपरेटेड फ्रॉम सेपरेटेड बाई कम्प्लीट कंपार्टमेंट, सेपरेटेड लॉन्गिट्यूडली बाई इंटरवीनिंग कम्प्लीट कंपार्टमेंट और होल्ड, ये सब है. तो सेग्रीगेशन में ये है, ये हमें चार ही याद करना है. स्टोवेज में डोंट गेट कन्फ्यूज विथ वॉट इज सेग्रीगेशन, वॉट इज स्टोवेज. बार बार ना ये कहीं वॉल अप पे पेस्ट अप कर सकते हैं हम लोग कि सेग्रीगेशन जो है उसमें चार हैं, अवे फ्रॉम सेपरेटेड बाई कम्प्लीट कंपार्टमेंट और होल्ड, जिससे कि वी विल कीप ऑन रिमेंबरिंग सच एज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन बोथ ऑफ देम वेरी इजिली. अदरवाइज बाद में वो कन्फ्यूजन ही रह जाता है. और कंपैटिबिलिटी क्या है, तो कंपैटिबिलिटी जो है वो क्लास 1 की ही होती है, A to L NNS. तो वो तीनों को सेपरेट रखना है जनरली. अभी है सेग्रीगेशन टेबल हमारा. सेग्रीगेशन टेबल में जो इम्पोर्टेंट है वो बताना ये है मुझे कि जैसे ये रहा क्लास है, सारी क्लासेस ये रही हमारे पास 1 to 9, फिर यहाँ पे 1 to 9 लिखा, इसका ये मैट्रिक्स बना हुआ है. कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैन यू लोड सेम क्लास इन वन कंटेनर या वन एट अ वन प्लेस होंगे, एक ही कंटेनर में डाल सकते हैं कि नहीं. तो आंसर इज नो. बिकॉज कैसे, लेट्स सी 4.1, क्योंकि क्लास 1 का बोलूंगा तो इट इज़ समथिंग स्टार भी लगा हुआ है. तो क्लास 4.1 का ले लेते हैं. क्लास 4.1 और क्लास यहाँ से भी 4.1 में आओ, यहाँ क्रॉस लगा हुआ है, ठीक है. अब क्लास 3 में भी देख लो, यहाँ पे भी 3 में आओ, क्रॉस लगा हुआ है. सब में 2.2 क्रॉस, सब में ये क्रॉस 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 ही लगे हुए हैं. 4.2 में फिर 4.2 में क्रॉस, 4.3 में 4.3 में क्रॉस, ये लगे हुए. अब क्रॉस का फिर मतलब क्या है, पहले ही आंसर बता दिया वैसे. नो द डीजी गुड लिस्ट हैज टू बी कंसल्टेड टू वेरीफाई वेदर देर आर स्पेसिफिक सेग्रीगेशन प्रोविजन. मतलब अगर सेम क्लास का है भी, ठीक है, सेम क्लास का है भी, फिर भी हम उसे लोड नहीं कर सकते. वी हैव टू गो टू डीजी लिस्ट
डीजी लिस्ट में उसका यूएन नंबर क्या है वो देख लेना है, या यूएन नंबर उसका हमें शिपर प्रोवाइड करता है तो उस यूएन नंबर को देख लेना, और कैसे लोड करना है वो करेंगे हम लोग। सो किसी भी सेम क्लास का है तो भी हम लोड नहीं कर सकते, वी हैव टू कंसिडर डीजी गुड लिस्ट, तो ये हम बोलेंगे। फिर इसमें स्टार बना हुआ है तो सी 7.2.7.1, तो 7.2.7.1 क्या है? 7.2.7.1 ये रहा, 7.2.7.1 ये है सेग्रीगेशन बिटवीन गुड्स ऑफ क्लास वन, ये है। तो ये रहा, ये कैसे करते हैं, ए बी सी डी एफ, तो मतलब A12NNS, तो इसमें लिखा हुआ है एक्स X6, यहाँ पे X4, X1, X2, X3 ये लिखा हुआ है, यहाँ पे इन सब का मतलब लिखा है, वन का मतलब क्या है, टू का मतलब, थ्री का मतलब, फोर का मतलब, फाइव का मतलब, सिक्स का मतलब, तो ये लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम कंपैटिबिलिटी वन के साथ, वन को ही नहीं हम लोड कर सकते हैं, उसमें भी कंपैटिबिलिटी जो ग्रुप डिवाइडेड है उसमें भी सबको एक साथ नहीं लोड कर सकते हैं। वी हैव टू कंसिडर दिस टेबल टू फाइंड इट आउट हाउ टू लोड क्लास वन, अगर उनमें कंपैटिबिलिटी ग्रुप है और उसमें भी है तो इस तरीके से लोड करना पड़ेगा हमें। सो दिस विल बी विथ वन और क्लास वन भी होगा, फिर 7.3, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि कॉग्निशंस ऑपरेशन पैकिंग यूजिंग द CTU एंड रिलेटेड प्रोविजन। तो ये जो चैप्टर्स के बस 7.3 जैसे मेन हेडिंग्स हैं वो थोड़ा सा पता होना चाहिए। 7.4 के जैसे कंटेनर के विद रिस्पेक्ट टू रिया स्टोरेज एंड सेग्रीगेशन ऑफ द कंटेनर शिप, तो इसमें कंटेनर शिप का स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि हाउ टू डू इट। तो देखो यहाँ यहाँ पे ये स्टोरेज रिक्वायरमेंट बताया हुआ है ये रहा, बट दिस इज सेम एज दैट ऑफ 7.1 ओनली, तो इसमें उतना प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे दूसरे दूसरे हैं का रो रो शिप्स का है तो इसमें इसमें ये सेग्रीगेशन रिक्वायरमेंट बताया हुआ है किस तरीके से सेग्रीगेशन करना है। टेबल ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ द कंटेनर्स ऑन बोर्ड द कंटेनर शिप विथ क्लोज्ड कार्गो होल्स, तो उसमें कैसे करने हैं, हैचलेस कंटेनरशिप में कैसे करने हैं। ये रहा रो रो का शिप का, तो रो रो में भी अलग से बताया गया है किस तरीके से करना है ऑन बोर्ड रो रो। ये रहा सेग्रीगेशन ऑफ द कार्गो ट्रांसपोर्ट यूनिट ऑन बोर्ड रो रो शिप, तो ये इस तरीके से बताया गया, हॉरिजॉन्टल क्लोज क्या है, क्लोज वेंट ये वो ये सब दिया हुआ है। स्टोरेज एंड सेग्रीगेशन ऑन जनरल कार्गो शिप, तो इसमें भी ऐसे ही दिए हुए हैं किस तरीके से करने हैं। यहाँ पे इट इज़ गिवन फॉर ऑल ऑल ऑफ देम ऐसे, यहाँ पे जो ये बना हुआ है सेग्रीगेशन टेबल बिटवीन द बल्क मटेरियल प्रोसेसिंग केमिकल हजार्ड, ये वाला किस तरीके से करना है ये लिखा हुआ है स्टोरेज में, स्टोरेज एंड सेग्रीगेशन में, इसमें सेग्रीगेशन है ऊपर स्टोरेज भी होगा इसमें सेपरेटर। ये वाला जनरली जो मैंने देखा हुआ है तो वो बुक्स में हमारे ये वाले डायग्राम्स बनाए हुए हैं, दिस वन अवे फ्रॉम सेपरेटेड फ्रॉम, तो ये तो सिर्फ बल्क के लिए है, बाकी का क्या, बाकी का क्या, ये तो सिर्फ बल्क कैरियर के लिए। व्हाट अबाउट रो रो, व्हाट अबाउट अदर्स, तो वो प्रोविजन हम बोल सकते हैं कि चैप्टर 7.4 में दिया है, 7.3 में दिया है, 7.2 में दिया है, तो 7.5 में, 7.6 में, तो इस तरीके से वी कैन स्पीक इसमें दिया हुआ, तो ये थोड़ा मोर स्पेसिफिक हो जाता है, मोर जेनरिक हो जाता है। जैसे इसमें एक्स में दिया हुआ है कि द सेग्रीगेशन इफ एनी इज शोन इन द डेंजरस गुड लिस्ट डीजी गुड लिस्ट दिस कोड और द इंडिविजुअल एंट्रीज इन द MSBC, तो ये डीजी गुड लिस्ट को भी देखो और MSBC को भी देखो, ये दोनों बोला हुआ है इसमें भी। जैसे 4.1 4.1 के साथ नहीं तो वो दोनों देखना, 4.2 4.2 के साथ नहीं या 9 के साथ नहीं, तो वी हैव टू लुक फॉर दीज थिंग्स ये किस तरीके से। इसमें भी अवे फ्रॉम सेपरेटेड फ्रॉम सेम ही चीज़ लिखी हुई है, बट वी हैव टू चेक फॉर बोथ ऑफ दैम, और यही वाले डायग्राम जनरली बनाए हुए हैं, कोई दूसरे बनाए नहीं हुए हैं, तो वी हैव टू रेफ बेटर इस कि वो दूसरे जो हैं वो भी याद कर लें। ये तो ठीक है, जनरल डेफिनेशन से वी कैन लर्न दिस ऑल्सो, बट जस्ट टू सेपरेट वॉट इज देयर बस बता रहा हूँ। शिप बॉर्न बार्जेस में ये हैं सबके लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट फॉर इन द इवेंट ऑफ इंसिडेंट एंड फायर प्रिकॉशन इन्वॉल्विंग डेंजरस गुड लिस्ट, ठीक है। तो ये आग लग गई या कुछ भी है, एग्जम्पशन सर्टिफिकेट्स एंड ऑल दिस, तो ये भी एग्जम्पशन सर्टिफिकेट हैं,
the provision of this section do not apply to the exemption mentioned in chapter 1 to 1.8 तक एंड द कोड, मतलब उसमें कोई तुम्हें एग्जम्पशन नहीं मिलेगा कहीं भी, मतलब एग्जम्पशन है ही नहीं. अब वो किसके लिए स्पेसिफिक होगा तो इसमें बताया गया होगा, बट ये जनरली पूछा नहीं जाता है. फिर ये डी जी लिस्ट, डी जी गुड लिस्ट में क्या है? तो डी जी गुड लिस्ट में हमें 18 कॉलम्स पहले तो हमें वो याद कर लेने हैं. उसके बाद ये है एन ओ एस, एंट्रीज आर कंसिडर टू बी फॉल विद इन द सेग्रीगेशन ग्रुप. उसमें सेग्रीगेशन ग्रुप में वो फॉलोअप करके ये बोला गया है, इसमें एसिड है, फिर ऐसे 16 हैं, 16 ग्रुप्स हैं. यहाँ पर 2 आया था अमोनियम कंपाउंड्स, देन ब्रोमेट्स, क्लोरेट्स, क्लोराइड्स, साइनाइड्स, तो ऐसे ही तरीके से 16 हैं दिस कैटेगरीज. तो हमें ये याद होना चाहिए, कॉलम वन में यूएन नंबर, प्रॉपर शिपिंग नेम, क्लास डिवीजन, सब्सिडरी रिस्क कॉलम 4 है, पैकिंग ग्रुप 5 है. तो जब हम स्टार्टिंग में जब पढ़ते हैं तभी हमें धीरे धीरे वी कैन कंसल्ट की अच्छा पैकिंग पढ़ने तो पैकिंग कौन से ग्रुप में, तो पैकिंग 5 में है. स्पेशल प्रोविजन की तो इसमें जैसे लिमिटेड क्वान्टिटी 7A और 7B है, एक्सेप्टेड क्वान्टिटी 7B है, लिमिटेड क्वान्टिटी 7A है, पैकिंग अच्छा 8 में दिया है, पैकिंग इंस्ट्रक्शन भी है, स्पेशल पैकिंग IBC. तो ये बस 18 कॉलम में से कुछ ही याद करना है जो कि जनरली यूज़ होते हैं, और वो यूज़ कौन कौन से होते हैं, एक तो यूएन नंबर हो गया, फिर क्लास हो गई, जैसे ये यूएन नंबर ये वाला यूज़ होता है जनरली, ये प्रॉपर शिपिंग नेम ये है, क्लास है ये है, सब्सिडरी रिस्क है ये, देन पैकिंग ग्रुप येस दिस ऑल्सो वी नीड, स्पेशल प्रोविजन ये नहीं, लिमिटेड क्वांटिटी का जो है ये हमें ज़रूरत पड़ती है, लिमिटेड क्वांटिटीज़ की, पैकिंग इंस्ट्रक्शन, IBC, IMO, UN, टैंक प्रोविजन, EMS, इमरजेंसी शेड्यूल, इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें, स्टोवे एंड सेग्रीगेशन 16 इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें, प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्वेशंस, लाइट टेयर मच्छर पता नहीं है, फिर ये कॉलम 18. तो जनरली इन सब की जो हमें नॉर्मल ज़रूरतें पड़ती हैं. अब डी जी गुड लिस्ट आगे हमारी, तो इसमें डी जी गुड लिस्ट में ये लिखा हुआ है, यहाँ पे ये यूएन नंबर, प्रॉपर शिपिंग नेम, क्लास डिवीजन, सब्सिडरी, पैकिंग, स्पेशल, लिमिटेड क्वान्टिटीज, पैकिंग, IBC, दीज ऑल थिंग्स आर रिटन. फिर उसके बाद पोर्टेबल टैंक एंड बल्क कंटेनर्स हैं तो क्या है होगा, आई एम ओ टैंकर, यूएन टैंक, आई एम ओ टैंक इंस्ट्रक्शन, देन यूएन टैंक इंस्ट्रक्शन प्रोविजन, EMS, प्रोविजन सेग्रीगेशन, प्रॉपर्टीज एंड ऑब्जर्वेशन. तो प्रॉपर्टीज और ऑब्जर्वेशन भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट ही है थोड़ा सा, कि हमें पता लग जाता है ये यूएन नंबर इधर और उधर दोनों तरफ इसलिए दिया जाता है कि वी कैन रेफर वेरी इजिली, क्योंकि 18 कॉलम्स हो जाते हैं तो इधर उधर दिमाग हो जाएगा. अब ये स्पेशल प्रोविजन का कि NOS को किस तरीके से लोड करेंगे, ये आई वॉन्ट टू शो, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था. तो 274 लिखा हुआ है इसमें, जैसे 274, तो वॉट टू डू कि NOS में 274 पे हम नीचे होगा गेरा NOS का दिया हुआ है ये टेबल, यहाँ पे प्रॉपर शिपिंग नेम है, जैसे यहाँ पे दिस वन इज गिवन 020, 020 जो है वो एमिनेशन टॉक्सिक विथ बर्स्टर एक्सपेलिंग चार्जेस और प्रोपेलिंग चार्जेस, ये लिखा हुआ है एमिनेशन का, और इसमें सब्सिडरी रिस्क में 6.1 भी लिखा हुआ है. तो वी कैन चेक दिस आउट ओवर हियर, जीरो टू जीरो करेक्ट. तो ये रहा 0201 के एमिनेशन टॉक्सिक विद बर्स्टर्स एक्सपेलिंग चार्जेस और प्रॉपर चार्जेस, तो इसमें भी ये 6.1
274 लिखा है नन और P101, तो ये पैकिंग लिख के रखा है कि पैकिंग किस तरीके से करनी है। तो दिस वन, इसी तरीके से NOS में भी, जैसे NOS में भी जितने भी होंगे कि जिसमें दिया भी नहीं हुआ है, तो उसमें भी इसी तरीके से UN नंबर हमें मिल जाते हैं। लिस्ट ऑफ प्रॉपर शिपिंग नेम सब्सिडियरी रिस्क्स, ये वाले जितने हैं हमारे पास प्रॉपर शिपिंग नेम लिखे हुए हैं, बट इसके आगे UN नंबर लिखे हुए हैं हमारे पास। तो ये UN नंबर जो है ना, इसमें हम चले जाएंगे 2775, जैसे ये है कॉपर बेस्ड पेस्टिसाइड्स सॉलिड टॉक्सिक, तो ये इसी UN नंबर में चले जाएंगे और हम लोग इसी के अकॉर्डिंगली लोड कर लेंगे NOS में। ये है प्रॉपर शिपिंग नेम और ये UN नंबर भी दिया है। रेडियो एक्टिव मटेरियल के हैं ये क्लास 8 के हैं, ग्लॉसरी दे दी इसमें और कुछ नहीं है। तो कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है। NOS में क्या करना है जनरली, कि हमें NOS सब्सटेंस देख लेना, उसका UN नंबर किस कैटेगरी में फॉल करता है वो देखना, उसी UN नंबर के अकॉर्डिंगली चाहे वो ए बी सी हो, जैसे NOS में हमारे पास ए बी सी कोई सब्सटेंस है, डी जी है, बट उसका UN नंबर लिख के रखा है 1234, तो 1234 में अगर कोई जैसे कॉपर सल्फेट ही दे के रखा है, तो कॉपर सल्फेट का जिस तरीके से होता है वैसे ही ए बी सी का हम लोग कर देंगे। बस ये कहने का मतलब है कि वी कैन जस्ट लुक अप, तो वहाँ से हमें पता लग जाएगा। NOS जो है वो चैप्टर 3 में यहाँ पे दे के भी रखे हुए हैं। अपेंडिक्स ए में ये रहा। लिस्ट ऑफ जेनरिक NOS प्रॉपर शिपिंग नेम्स इसमें दिए हुए हैं ये। तो यहाँ पे जैसे कुछ भी दिया हुआ है, तो इसमें हम वी कैन गो टू दिस यू एन नंबर, यहाँ पे ये यू एन नंबर दे दिया, ये क्लास और डिवीजन रही जिसमें फॉलो अप करता है, और वी कैन लोड अकॉर्डिंगली देन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके फर्दर 16 कैटेगरीज और ये सब वो सब हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस हमें इतना आना चाहिए। और इसके बाद इसमें फायर का और ये सब भी है लिस्ट कि EMS क्या है, तो EMS का यहाँ पे दिया हुआ है IMDG के सप्लीमेंट में, तो IMDG कोड क्यों चाहिए ये बताओ, कि इसमें जो है ना कि इसमें प्रोसीजर्स दिए हुए हैं, तो वो प्रोसीजर्स के वजह से हमें चाहिए कि हाउ टू रिपोर्ट, रिपोर्टिंग प्रोसीजर दिए हुए हैं, इसलिए सारी वेसल्स पे जो है वो IMDG की बुक चाहिए होती है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है EMS, EMS अलग चीज़ है, MFAG अलग चीज़ है, दोनों को डिफरेंट रखना है। EMS में क्या है, फायर और स्पेल है, और MFAG में बचाना है, मेडिकल फर्स्ट एड है इसमें देना है। तो EMS में कितने हैं, फायर के अपने 10 टेबल हैं, ये रहे ये फायर के 10 टेबल हैं A to J ये हैं। अब इसमें एक टेबल में क्या दिया रहता है, जस्ट फॉर द रेफरेंस ये दिया रहता है, जनरल कमेंट, पैकेजिंग, कार्गो ऑन फायर डेक पे, ऑन फायर अंडर डेक, कार्गो एक्सपोज टू फायर, स्पेशल केसेस, UN नंबर्स दिए हुए, तो ये दिया रहता है बस। फिर स्पेल में क्या दिया रहता है, ये रहा
स्पिल में 26 टेबल्स होते हैं ए टू जेड तक, एस ए टू एस जेड तक, ये रहा एस जेड तक दिया रहता है। और इसमें क्या दिया रहता है, इसमें भी कुछ ऐसे जनरल कमेंट, स्पिल ऑन डेक पैकेज, फिर कार्गो यूनिट में है, अंडर डेक में पैकेज में है, कार्गो यूनिट में है, स्पेशल केस ऑफ मरीन पोल्यूटेंट मार्क, बस। तो इसमें सब में यही दिया रहेगा, ये इसमें भी यही दिया, इसमें इवन नंबर और लिख दिया है, तो दिस इज ऑल सेम, नथिंग डिफरेंट। तो वो जस्ट टू नो कि इसमें 26 हैं और उस फायर में 10 हैं और स्पिलेज में 26, 26 ए टू जेड तक, और उसमें ए टू जे। हाँ पर और यहाँ पे ये भी यूएन नंबर्स दिए हुए हैं, ईएमएस दिया हुआ है इनका साथ साथ में, ये वाला। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो एमएसएजी है, एमएसएजी भी मैं मेडिकल फर्स्ट एड गाइड, ये भी। तो इसमें जो है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये है, स्टार्ट कहाँ से होते हैं, हाउ टू यूज़ दिस गाइड। तो हाउ टू यूज़ दिस गाइड तो ये दिया गया है कि डज द कैशुअलिटी नीड टू बी रेस्क्यूड फ्रॉम द एटमोसफियर, येस टू गो टू टेबल वन, तो वो टेबल वन में जाना है। अगर आंसर नो है तो हैज़ ही ब्रीथ हैज़ ब्रीथिंग स्टॉप, फिर येस तो इसका मतलब टेबल टू और थ्री में जाना है। तो इस तरीके से, और इस तरीके से उसमें टेबल्स भी बनाए हुए हैं कि ये रहा टेबल का फॉर्म है, टेबल वन है तो टेबल वन में क्या क्या करना है ये बनाया हुआ है। फिर इसी तरीके से टेबल्स दिए हुए हैं, टेबल टू है ये, सीपीआर देना है इस तरीके से है। और इसमें क्या है, 20 टेबल्स हैं एमएससीजी में, 20 टेबल्स हैं एंड 15 अपेंडिसेस हैं, जिसमें से जो अपेंडिक्स नंबर 14 है वो मेडिसिन और इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट है, जिसे कि कंटेनर वेसल में पीटीसी भी कहते हैं, पॉइजन ट्रंक कंट्रोल, तो वो रिक्वायरमेंट है इसकी। तो 20 टेबल ऐसे ही दिए हुए हैं, नथिंग मोर इम्पोर्टेंट, बस हमें बताना चाहिए कि 20 टेबल्स दिए हुए हैं, वी हैव टू जस्ट नो दिस वन। और हाँ ये रहा लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट, यहाँ पे रहा ये रहा अपेंडिक्स 4 में लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट, तो ये पीटीसी के अंडर में आ जाता है कि ये सारी चीज़ें चाहिए। तो अरे अपेंडिक्स लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस, तो ये वाले जो हैं ये एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो चाहिए होती हैं कंटेनर वेसल्स पे जनरली, ये जो लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट भी हैं ये चीज़ें, दैट्स इट। और इसके बाद ये 15 मतलब 20 टेबल 15 अपेंडिसिस ये बस। और इसके बाद ये रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स, इसके वजह से एमडीजी हर जगह चाहिए, रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स हर शिप पे, तो इसलिए चाहिए होती है रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स, सिर्फ इसी में लिखा होगा। तो ये अगर किसी को रीडअप करना है तो रीडअप कर सकते हैं, मैं तो रीडअप भी नहीं किया था, तो ये सब लिखा हुआ है, हाउ टू डू इट, टेलीग्राफी टेलीफोनी फंक्शंस इंफॉर्मेशन देखते हैं। और इसके नीचे फिर वो कि हाउ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ट्रक्स रोड्स में कैसे जाएंगे, तो ये लैंड बेस्ड हैं तो उन पे किस तरीके से करेंगे, ये सब लिखा हुआ है, ये इट इट कैन बी रेड बाय अस ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। बट ज़्यादा नहीं पढ़, मैं तो ज़्यादा नहीं पढ़ना वाला, तो बस मैंने इतना ही पढ़ा था यार।